स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबर की शुरुआत करेंगे नवादा जिले के नगर थाना क्षेत्र से। पुलिस ने ट्रक में भारी मात्रा में अवैध गांजा को बरामद किया है। वहीं एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। जब्त अवैध गांजा के बाजार कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि निकलकर सामने आई है। मामले की जानकारी देते हुए सदर SDPO राजकिशोर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिनांक 23 फरवरी को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक ट्रक जो झारखंड राज्य से नवादा की ओर आ रही थी और गया जिला की ओर जाएगी, ट्रक में गिट्टी और गांजा लदा हुआ है। सूचना पर नगर थाना के पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सद्भावना चौक के पास पहुंचे तो कुछ समय बाद एक ट्रक भदौनी तरफ से आते देखा गया और नवादा से गया जाने वाली रोड की तरफ मुड़ रहा था। संदेह के आधार पर ट्रक को रोका गया। 23-24 को गुप्त सूचना मिली कि एक ट्रक झारखंड से नवादा होते हुए गया जा रही है जिसमें गिट्टी और गांजा लदा हुआ है। तो सूचना प्राप्त होते ही छापेमारी दल का तुरंत गठन किया गया और सद्भावना चौक के पास घेराबंदी किया गया। थोड़ी देर बाद ही सही में एक ट्रक आकर गया की ओर मुड़ गई। तो जो भी छापेमारी दल ने उसको रुकने का इशारा किया लेकिन वो रुक के नहीं और तेजी से गया की ओर वो भागने लगा, जिसका पीछा करते हुए SH-8 के पास एक कृषि फार्म है वहाँ पर ओवरटेक करके उसको रोका गया। और प्रखंड विकास पदाधिकारी की उपस्थिति में जब उसका विधिवत तलाशी लिया गया तो ड्राइवर के पीछे वाले केबिन में 61 किलो 61 पैकेट गांजा बरामद हुआ। कहाँ जा रही थी? ये झारखंड से आ रही थी और गया जा रही थी। कितना मूल्य है सर इसका? और मूल्य 61 किलो गांजा, मूल्य तो हम एक नहीं बता पाए। गिरफ्तारी एक गिरफ्तारी है ड्राइवर की और अभी अनुसंधान की जा रही है। क्या नाम है? कहाँ का रहने वाला है? सुबोध पासवान है, ये रहने वाला नारदीगंज नवादा का ही है। और इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि कहाँ से चला था और कहाँ जा रहा था, इसके पूरा नेक्सस पे हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं।